के बच्चे साइंस स्ट्रीम से पढ़ते हैं उनकी परीक्षा देती थी इंटरमीडिएट की और एक डेट हो गई थी और एक दिन या तो बच्चे इसकी परीक्षा देते या उसकी परीक्षा देते यदि परीक्षा देते मेंस का भी तो फिर उनका इंटरमीडिएट यदि पास नहीं होते तो फिर उनका पास होना कोई मतलब नहीं रखता। और बिहार के मुख्यमंत्री से फ़ोन किए, मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किए, शिक्षा मंत्री को फ़ोन किए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किए, सारे चैनलों को ट्वीट किए, एनडीए के जो नेशनल प्रेसिडेंसी डायरेक्टर उनसे हम बात किए, उनसे मैसेज किए और इसका सार्थक परिणाम निकला है। एक सुल्तानगंज में मकेर के सुल्तानगंज गाँव में एक सड़क है महतो गुला और वहाँ एक दूसरे समुदाय के लोग का जमीन एक आदमी को पड़ता था, वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे, रोड से गिर थे, गए तो बारिश में चुनाव पानी में गिर गए थे, हम गए थे इस गाँव में रोड से चुना सड़क से और वो जमीन नहीं दे रहे थे, उनको जाकर हम पैर कर दिए चचा है जमीन दीजिए आपका 10 फीट जमीन जाने से आपका जमीन की कीमत यदि 40,000 है तो 4 लाख हो जाएगा और वो भी गया। ऐसा ऐसा गाँव था जहाँ बरसात में जाना मुश्किल था, हम सारे गाँव रोड से ऐसा ऐसा पंचायत में था मतलब अपहर पंचायत जो भी परसा उससे एक पंचायत दो दो भाग में बटर बटर उसका मेथड मालूम है, उसका जो रेसिपी मालूम है, सब लोग दौड़ेंगे, सबका टाइम रहेगा, सबका एनर्जी रहेगा, लेकिन जो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर देगा तो बच्चों को बता दें कि आप पढ़ रहे हैं, यदि आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप 10 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़ रहे हैं उसको 12 घंटा, उसने मेहनत को आगे ले थोड़ा सा मेहनत और उससे ज्यादा करना है, कंपटीशन में जमाना है, आप निश्चित सफल होंगे और हमारे बच्चे सफल होंगे, देश और दुनिया में ऐसे बिहार के यूपीएससी में सारे में टॉप कर रहे हैं, सारे चीज में हमारा राज्य गांव मेरा क्षेत्र मेरा जिला मेरा राज्य आगे रहे, यह मेरा सोच है मेरा सपना है और आप सबके आशीर्वाद से इसमें लगे हैं। देखिए ईश्वर की कामना कहाँ तक सकते पास नहीं होते तो फिर
का पास होना वो मतलब दे रहा था और 3 लाख बच्चों की तिथि एक हुए नहीं। हमने अखबार में पढ़ा उसका जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इस पर विचार करेगा, तो विचार करेगा अच्छा। लेकिन जब परीक्षा की तिथि 3 दिन बच गई और कोई अपडेट नहीं हुआ और सारे अखबार वाले लोग चुप बुलाए, कोई इस पर कोई खबर नहीं छापा, हमको चिंता हुई आखिर आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य में हाल क्या होगा। हम संयोग से दिल्ली में अंतर अंतर पढ़ाई से मिले और बिहार के मुख्यमंत्री से फोन किए, मुख्यमंत्री जी को फोन किए, शिक्षा मंत्री को फोन किए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किए, सारे चैनलों को ट्वीट किए, NTA के जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी डायरेक्टर उनसे हम बात किए, उनसे मैसेज किए और इसका सार्थक परिणाम निकला कि उसमें तिथि में बदलाव हुआ और 3 लाख बच्चों को प्रतिभा को निखरने का मौका मिला, परीक्षा में शामिल होने का मौका मिला। उसमें से बहुत सारे बात है पास होकर देश दुनिया में बिहार का नाम रोशन करेंगे, उम्मीद थी और हम उम्मीद पर कायम रहे, उसकी सफलता हमको मिली और पूरे बिहार के छात्रों जो देखते हैं व्यक्तिगत उसका श्रेय हमको नहीं लेना है। मेरे मन में कसक था कि हम जिस स्थिति में हैं, जिस पद पर हैं, जो समाज हमको दायित्व दिया है निश्चित करने का विधानसभा में, अपनी बात को विधानसभा में, समाज में या अपने प्रकृति के पास हमने आगे वाले नेताओं के पास हम पहुँचा सकते हैं, हमने अपने फर्ज को निभाया। बाकी रिजल्ट मेरे हाथ में थे, हमने पूरी कोशिश की, रिजल्ट निकला उसमें आप सब की बधाई की बात है। आमतौर पर एक जनप्रतिनिधि होना, एक विधायक होना आपकी नज़र में क्या है, पद है, पावर है या जनसेवा? देखिए ये तो मूलतः जनसेवा है और उसमें अंतर विधानसभा में आप जाएंगे तो मोटे अक्षरों में लिखा होगा जनता अपना ताकत कुछ समय के लिए अपने जनप्रतिनिधि को देती है, उससे पृथक आपका कोई ताकत नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप 24 घंटा उनके लिए सोचना है जिन्होंने आपके लिए सोचा है और इसको हम हो जाएगी। छपरा जिले में अमनौर विधानसभा अस्तित्व में आया तो कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल जदयू के टिकट पर पहली बार युवा दल के रूप में चुनाव लड़े और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत गए। 2015 में जब जदयू और राजद का गठबंधन था उस समय मामूली मतों से वहां से चुनाव हार गए, लेकिन 2020 में कोविड पीड़ित होने के बावजूद इन्होंने एक दिन भी क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया, पर लोकप्रियता ऐसी थी कि भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और वहां से चुनाव जीत गए। तीसरा टर्म एक टर्म आप चुनाव हार भी गए, जो नया विधानसभा बना उसके बाद सबसे ज्यादा वक्त आपके पास रहा, अब नौ के लोगों के विश्वास पर कितना खरा उतर पाए या वो कौन सी बातें हैं जिनको अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए? पानी में गिर गए थे, अगर इस गांव रोड से जोड़ना सड़क से
और वो जमीन नहीं दे रहे थे हमको, जाकर हम पैर धर चाचा जमीन दीजिए आपका 10 फीट जमीन, जाने से आपका जमीन की कीमत जब 40,000 है तुरंत 4 लाख हो जाएगा। और वो भी गया, क्योंकि जब रोड बनता है तो जमीन जमीन की कीमत बढ़ता है, वो समझ गए गाँव आज गया। ऐसा ऐसा गाँव था जहाँ बरसात में जाना मुश्किल था, हम उस सारे गाँव को रोड से ऐसा ऐसा पंचायत में था, मतलब अभर पंचायत जो भी बरसा उससे जो एक पंचायत दो दो भाग में बचा बटा था नदी के धार में, छोटी छोटी नदियाँ बहुत है वहाँ पर, बच्चे स्कूल ही था, बच्चे उधर बच्चियाँ उधर बिगड़ था राशन उधर, हमने तीनों पंचायत को तीन के पूर्व बना कर जुड़ा बिजली बिजली के लिए लोग मतलब धरना प्रदर्शन करते डाल चुके थे, प्रदर्शन करते थे, कोई चौक चौराहे पर मंदिर से लेकर पूरा तक नहीं बिजली नहीं था। आज सबसे बड़ा पावर बिहार के लिए बना बंदा बना के छपरा में रोड बनाए, आज 24 घंटा बिजली रही, उसमें हमारे सांसद जी का भी सबका सहयोग मिला, और आज हम लोग बिजली के मामले में सारण बिजली लेने वाला नहीं बिजली देने वाला बना है, आज छपरा से बिजली छपरा सिवान के बाद बेतिया रोटियाँ बाघा कर जा रही है, ये हमारी उपलब्धि है, और जनता ने हमको ताकत दिया जो अधिकार दिया उस ताकत का प्रयोग अच्छे काम से करना विकास कर दिया, पुल पुलिया बना दिया, बिजली ला दिया, विद्यालय बनवा दिए, जो अपराधग्रस्त इलाके थे नक्सल इलाके थे उन इलाकों में भी आपने अमन शांति कायम करने में बड़ी भूमिका अदा की। इसी दौरान आपके एक दाल मिल फैक्ट्री को नक्सलियों ने उड़ा भी दिया, बहुत सारी ऐसी विषय होंगे जिसको लेकर दर्द भी होगा, एक जनप्रतिनिधि है तो बहुत कुछ खोना भी पड़ा होगा। देखिए व्यक्तिगत अपना कुछ नहीं होता है, यहाँ सामाजिक होता है, अस्पताल ग्राम रोड बिल्डिंग परसा का बिल्डिंग इतना जर्जर था कि लोग जाना नहीं चाहते, पानी छूता रहा था, आज हमने बिल्डिंग बनाया। बाकी जो उप स्वास्थ्य केंद्र है अभी 5 उप स्वास्थ्य का टेंडर हुआ है, रसूलपुर से लेकर मकेर से लेकर त्रिपुरा से लेकर खरसा सभी को काम कर रहे हैं, अब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा लाना उद्देश्य है, उसमें अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, जाँच मशीन हो, वहाँ पर टेक्नोलॉजी सुविधा हो, जिसको लोग जनता को लोग प्राइवेट लोग ज़्यादा पैसा वसूल लेते हैं, वो सब चीज़ें पर मेरा ध्यान है, शिक्षा में स्कूल में बेहतर व्यवस्था हो, व्यवस्था शिक्षा को नहीं बदल पर साफ सुथरा स्कूल हो, अभी पेरेंट्स दिए हैं हर विद्यालय में 70-70 जोड़ी बेच दिए हैं, उसको लाइट लगवाए, पंखा लगवाए, सुरंग बनवा रहे हैं, बच्चे जाए तो उनको मानसिक रूप से कमजोर नहीं समझे कि हम सरकारी विद्यालय पढ़ते हैं, और बेहतर बिहार में हम हमारा सपना है कि हम लोग तुलना मरवड़ा से नहीं परसा से पटना से हो, उसका हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम लोग बिहार में सबसे नंबर 1 विधानसभा बने, हम लोग के लोगों ने उम्मीद और विश्वास के साथ दिया है, राजनीति पर असर है उसको बांधने का एक बड़ा प्रयास आपने शुरू कर दिया, ये प्रयास क्या है? आप छात्रावास बना रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर रहे हैं, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। दुश्मन कम बनाएंगे उतना ज्यादा उनके लिए बेहतर रहेगा, और व्यक्तिगत किसी दुश्मनी नहीं होती है, राजनीतिक विचारधारा की है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ हम हैं, उनकी विचारधारा के हम समर्थन में हैं, और जो विचारधारा पर लड़ाई होगी उस विचारधारा पर हम पार्टी के साथ अटिक हैं, अटिक रहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत किसी को गाली देने का हमने जीवन में किए हैं ना ही किसी के लिए करें, ये मेरा सोच रहा था। हम जिसके साथ भी रहे नहीं रहे पूरी ईमानदारी से रहे, कभी किसी को धोखा दे रहे थे काम नहीं किए, कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, यह मेरा शुरू से नहीं चल रहा है, जिनके साथ भी रहे दिल से रहे दिमाग से रहे कोई दाएं बाएं देखने का काम नहीं करते हैं, और यह विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की देश के लिए राष्ट्रीयता के लिए पार्टी, इसलिए हम पार्टी के लड़ते हैं और विचारधारा
धारा की लड़ाई में साथ है और व्यक्तिगत किसी दुश्मन को नहीं रखता है और सभी को आगे रहेगा राजनीतिक करने वाले शादी विवाह सुख सुख में आप पहले नहीं देखते थे लालू जी की बेटी की शादी हुई थी उस समय नीतीश जी अलग थे लेकिन नेता में गए थे नहीं गए थे मुलायम सिंह जी की पोती की शादी थी या पोते की तब हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे नहीं गए थे विचारधारा की लड़ाई थी हम
माता दुर्गा की कथा पूजा करते हैं। यदि आपकी बेटी जज बन जाएगी दुर्गा की कथा करनी लेते हैं, आपकी बेटी स्पीड बन जाएगी दुर्गा की कथा करनी लेते हैं, स्वाभाविक रूप से दुर्गा जी का सेवा ताकत मिलेगा, महापुरुषों का संदेश को, धर्म के देवताओं का संदेश को हम पढ़ना नहीं चाहते। हम उनकी जयंती मनाते हैं, हम पर्व मनाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मैसेज है, जो संदेश है, उसको हम नहीं निकाल पाते। जब तक उस संदेश को, आप कोई महापुरुष बताइए, अंबेडकर जी यदि पढ़े लिखे नहीं होते तो समाज में कितने लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, कोई जानता है नहीं जानता है। तो उनके अंदर क्या था, शिक्षा थी, तो उसे पटेल जी यदि बहिष्कार नहीं होते शायद इस मुकाम पर नहीं पहुंचा पाते। महात्मा गांधी बहिष्कार थे, आपके विवेकानंद जी का हम लोग सभी लोग चर्चा करते हैं, धर्म गुरु थे, 2-3 साल पहले से गांवों में जाकर भाषण दिए, भाषण किस भाषा में दिए, इंग्लिश भाषा में। तो यदि इंग्लिश नहीं पढ़ रहा थे उनके ज्ञान का मतलब रहता शिक्षा के। कोई भी महापुरुष दीनदयाल उपाध्याय जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, राजेंद्र प्रसाद हो, जो भी देश के महापुरुष हैं उनको आप कागज उठा देते हैं, पढ़ लिखा नहीं। जब शिक्षा के ही मूल मंत्र में इस बात को हम कब समझ, जो भी महापुरुष हो रहे हैं शिक्षित हो रहे हैं, 1% लोग बिना शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षा जब हम समझ रहे हैं और अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, इसी को बात को समझाना बताना, समाज को जागरूक करना, शिक्षा एक अभियान है, उस अभियान से जुड़ो और शिक्षित बनकर राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनेंगे, तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा। नहीं तो इस जीवन में धर्म नीति पर जन्म लेगा कोई मतलब नहीं, और राष्ट्र के निर्माण में तभी आप सफल होंगे। हमारे यहाँ देश के भागीदार बनेंगे, देश आगे बढ़ेगा, जब देश आगे बढ़ेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आप समाज क्या देना चाहते हैं, एज ए विधायक, एज ए जनप्रतिनिधि, रोड पुलिया स्कूल सड़क बन रहा है, समाज को जागृति सोच देना चाहते हैं, विचार देना चाहते हैं, उस विचार पर लेकिन शिक्षा सबके लिए जरूरी, सरकार भी प्रयास करती है और समाज भी प्रयास करे, तभी बदलाव है। सिर्फ एक साइड हम छोड़ देंगे, हम गांव में रहते हैं, लोग कहते हैं कि गांव में कि भाई शिक्षक नहीं है, कुछ नहीं है, पैसा कमी है, बहुत सारी बातें आती है, लेकिन गार्जियन भी अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, उनके साथ बैठ के बात नहीं करते, उनका समस्या है, स्कूल में जाकर देखना नहीं चाहते हैं कि शिक्षक आ रहे हैं नहीं, पढ़ा रहे क्या पढ़ा रहे हैं। तो हमको समाज को भी थोड़ा सा उसमें जोड़ना, मेरा प्रयास है सरकार के साथ साथ समाज भी जागरूक हो और गार्जियन जो भी अभिभावक जागरूक हो, बच्चे जागरूक हो। हम बच्चों को भी समझाते हैं, हम जाते किसी मंच पर बच्चों को भी समझाते हैं कि भाई हम यहाँ से यदि कोई दौड़ शुरू करते हैं, यहाँ हम लोग दसंत बैठे हैं, हम लोग 100 मीटर की दौड़ शुरू करते हैं तो फर्स्ट कौन आएगा आपको मालूम, हमको उसका मेथड मालूम है, उसका जो रेसिपी हो मालूम है, सब लोग दौड़ेंगे, सबका टाइम लगेगा, सबका एनर्जी लगेगा, लेकिन जो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर देगा तो बच्चों को बता देंगे आप पढ़ रहे हैं, यदि आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, उसमें मेहनत को आगे भेजे, थोड़ा सा मेहनत औरों से ज्यादा करना है, कंपटीशन में जमाना है, आप निश्चित सफल होंगे और हमारे बच्चे सफल होंगे। इस दुनिया में ऐसे बिहार के यूपीएससी में सारे टॉप कर रहे हैं, सारे चीज में हमारा राज्य, गांव मेरा, क्षेत्र मेरा, जिला मेरा, राज्य आगे रहे, यह मेरा सोच है, मेरा सपना है और आप सबके आशीर्वाद से। देखिए आमतौर पर किसी जनप्रतिनिधि से आप बात करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप राजनीति अपने पार्टी की बड़ाई अपने नेता पर ही आकर टिक जाती है, लेकिन कृष्ण कुमार मंटू सिंह पटेल से हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव बातें हैं ये समाज को आगे ले जाने वाली है। बात चाहे पटवा टोली की हो या बिहार के उस सुदूर गाँव की जहाँ के गरीब बच्चों ने अपने जोश और जुनून के बल पर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसे ही सार्थकता भरे खबरों के साथ आपके बीच आएंगे रवि लाइव में और आपको दिखाएंगे कि बिहार में क्या कुछ पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।